ये है मध्य प्रदेश के सीहोर का चंदेरी गांव। इस गांव की आबादी 500 लोगों की है। खास बात यह है कि इस गांव में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ये बात इसलिए खास है क्योंकि सीहोर जिले की 497 पंचायतों में अभी तक 1608 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। ऐसे में इस गांव के लोगों ने क्या खास किया, इसे लेकर मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों में उत्सुकता है। कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए चंदेरी गांव के लोगों ने काफी पहले से बाहरी लोगों के आने पर रोक लगा दी थी। इन्होंने गांव की सीमा सील कर दी। इसी कारण गांव में वायरस ने अब तक कदम नहीं रखा। अरे ये कोरोना फैल रही है को ढोर माल में, तो वो ये मास्क लगा लिया क्योंकि कमारे के माल ढोर के भी कोरोना आ रही है लग रही है को ये सारी दूर के फैल रही हो, तो ये माल ढोर उनके भी लगा दिए मैंने। रोज कुआ पे लाऊ घरे ले जाऊ, कुआ पे से घरे ले जाऊ, तो ये कोरोना फैल रही है तो ये माल ढोर के भी फैल आ रही है। इस गांव में कोरोना की गाइडलाइंस का भी लोगों ने पूरी तरह से ख्याल रखा। खास बात यह है कि महामारी से जानवरों तक को बचाया जा रहा है। यहां लोग खुद ही नहीं बल्कि जानवरों को भी मास्क पहनाकर रख रहे हैं। कोरोना के पीछे डबल से बीमारी आ गई है और अभी हमने टीवी में ही देखा कि कई प्रदेशों में कोरोना से शेर उनको बीमारी हो गई है, ये मवेशियों को बीमारी हो गई, कई चिड़ियाघर बंद कर दिए गए, ये हमने टीवी पे देखा। तो हमने सोचा कि हमारे गांव में कोरोना हमारी माल मवेशी जो हम खेत पे लाते हैं, अभी अभी मैं गांव से डायरेक्ट खेत पे लाया हूँ, इनको ना कोरोना हो जाए, इसलिए हमने मवेशी को मास्क लगा दिया और हम भी मास्क लगा रहे और इस कोरोना बीमारी से बच रहे। गांव में हमने जनता कर्फ्यू भी लगा दिया है हमारे गांव में।